ट्विंकल चल चल कौन ट्विंकल तुझे हुआ क्या है ट्विंकल माही माही ट्विंकल क्या हो रहा है तुझे कुछ माही क्या माही मैं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही माही मेरे आसपास है मैं जानता हूँ माही के हादसे से तुझे बहुत बड़ा सदमा लगा यू हैव टू लेट इट गो माही यहाँ नहीं है माही यहाँ कैसे हो सकती है ट्विंकल नहीं कुछ माही है कुछ मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं कि माही इस दुनिया में नहीं मेरा दिल कह रहा है माही जिंदा है माही को कुछ नहीं हो कुछ कुछ तो मुझे प्लीज गणेश जी के मंदिर ले चलोगे प्लीज मैं वहां जाके मन्नत मांगना चाहती हूँ कि मुझे मेरी माही जल्दी से मिल जाए प्लीज कुछ अच्छा ठीक है चल चल पंडित जी गणपति जी सबको लगता है कि मेरी माही अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा है कि वो जिंदा है प्लीज मेरी बहन मुझे वापस दे दीजिए प्लीज गणपति जी प्लीज बेटी गणपति बप्पा ने आपके मन की पुकार सुन ली है ये रहा गणपति बप्पा का प्रसाद गणपति जी मैं इस फूल को आपका आशीर्वाद समझ के रख रही हूँ और जैसे ही मुझे मेरी माही मिल जाएगी ना इसे खुद अपने हाथों से उसे सौंपूं बस जल्दी से मेरी माही को मिला दीजिए मैं मूसक जी के कान में अपनी प्रार्थना करके आती हूँ कि मुझे माही से जल्दी से मिला दो
ट्विंकल कुछ कुछ माही, मैंने माही को देखा। क्या माही? ट्विंकल रुक, ट्विंक ट्विंकल, तू क्या कर रही है? कुंज, मैंने माही को देखा, माही यही थी मंदिर में, मैंने अभी माही को देखा। ट्विंकल, ये पॉसिबल नहीं है, तुझे तुझे गलत फहमी हुई। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई कुछ, पहले तो सिर्फ मेरा दिल कह रहा था कि माही जिंदा, लेकिन अभी मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो यही थी, इस मंदिर में थी, कुछ कुछ हमें ढूंढने। माही, ट्विंकल मेरी बात, आई विश जो तू कह रही है वो सच होता, पर ऐसा नहीं, माही हमें छोड़ के जा चुकी है। ट्विंकल प्लीज मेरी बात सुन, जस्ट काम डाउन, माही इस दुनिया में नहीं है ट्विंकल। लेकिन कुछ प्लीज ट्विंकल प्लीज, इस सच को एक्सेप्ट कर ले, वरना तेरा दर्द कभी कम नहीं होगा। दिस इज सो बोरिंग यार, इतने दिन हो गए हैं कोई गॉसिप ही नहीं सुनी, कुछ हो तो बताओ। हाँ एक गॉसिप है, सुना है लंदन से कोई देविका खन्ना नाम की मल्टी मिलियनर लड़की आई है इंडिया में अभी अभी शादी करने के लिए। स्पेशली इंडिया आ रही है सिर्फ शादी करने के लिए? हाँ अभी तो वो मुंबई पहुंच चुकी है, बहुत जल्दी वो अमृतसर भी आने वाली है अपने लिए दूल्हा ढूंढने के लिए। अच्छा दैट्स इंटरेस्टिंग, देविका खन्ना, इसके बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा। अगर मेरे युवी का रिश्ता इसके साथ हो जाए वो तो मजा ही आ जाएगा, युवी का ट्विंकल के लिए पागलपन भी कम हो जाएगा और हम पे बैठे बैठे दौलत की बरसात हो जाएगी। ऐसे भी लीला तनेजा और उसके परिवार को जितना बर्बाद करना था वो तो कर चुकी, अब कुछ नया करने का वक्त आ गया है। और मैं फिर जीत गई। किट्टू कुछ बढ़िया से नाश्ते का इंतजाम करो। किसी को बढ़िया नाश्ता नहीं मिलेगा, आप लोग तो जानते हैं बेचारी अनीता अपनी नूह की मौत का कितना बड़ा सदमा लगा है इसे। कल आप लोग ने देखा ही था कैसे बेचारी बिलक बिलक के जोर जोर से अपनी नूह के लिए रो रही थी। जिस घर में शोक का माहौल हो वहां ये ताश पार्टी नाश्ता वगैरह कैसे चल सकता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश, आप लोग अपने अपने घर जाइए। बेबी आप मेरी फ्रेंड्स की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती हैं, इट्स वेरी रूड। ना सिर्फ मैं बोल सकती हूँ बल्कि कर भी सकती हूँ, और ये बात तो अच्छी तरह से जानती है अनीता, इसलिए मुझसे जबान लड़ाने से पहले सोच लेना। अरे आप लोग अभी तक यहाँ खड़े हो बहन जी, जाइए जाइए अपने घर जाइए, अपने बाल बच्चों के पास जाइए, अपने पति के पास जाइए, जाइए ना। देविका खन्ना ये नाम है उस मल्टी मिलियनर लड़की, लंदन से आप ही आई है शादी करने, आज एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो कर रही है ट्विंकल और सारे टॉप वेडिंग प्लानर्स वहां आ रहे हैं, आई थिंक हमें वहां चलना चाहिए। कुछ मेरा मन नहीं कर रहा वहां जाने का, मैं नहीं कुछ तो मेरी बात समझते, तू चल रही है बस। लेकिन को मैंने कहा ना तू चल रही है मेरे लिए। लेकिन कुंज एक बार मेरी बात, तुम मुझे जिद्दी बोलते हो, खुद को देखा है जिद्दियों के किंग हो, ठीक है मैं चलूंगी लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ट्विंकल भले ही 5 सेकंड के लिए ही सही लेकिन तूने स्माइल तो किया, तेरी स्माइल पे मैं पूरी दुनिया कुर्बान कर सकता हूँ, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
माही को जरूर इंसाफ मिलेगा, बस तू अपना स्पिरिट मत खोना। एक आखिरी बार अपनी ट्विंकल के हाथों से अच्छा खाना खा ले कुछ, क्योंकि ये तेरी जिंदगी की आखिरी मील होगी। यूवी अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। बोला था ना मैंने, आओगे तुम दोनों, लेकिन जाएगा सिर्फ एक। सुन, मुझे किसी भी कीमत में आज वो गन मेरे पास चाहिए, समझा? पार्टी एक्चुअली काफी क्लासी है, नहीं लगता है देवी का कुछ ज्यादा ही बड़े बिग शॉट है। कुन, वो देख, रितु बावेजा, इंडिया की टॉप सेलिब्रिटी वेडिंग प्लानर। अगर देविका ने इन्हें यहाँ बुलाया तो मुझे नहीं लगता हमारा कोई चांस है। तुझे हो क्या गया, इतनी नेगेटिव क्यों हो रही? होगी देविका कोई तोप, लेकिन हमें भी है होप, नहीं? तुम्हारे बैड और सैड जोक्स फिर से शुरू हो गए ना भाई। कुछ मैंने कहा था ना, माही जिंदा है, मेरी बहन जिंदा है, मेरी माँ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम लंदन की मशहूर खन्ना एम्पायर की एक लौती वारिस
द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट स्टनिंग देविका खन्ना। देविका खन्ना? नहीं, कुंजी मेरी माही है, ये मेरी माही है। माही रुको, माही। अरे अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? पीछे हटिए प्लीज। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मेरी बहन है, आप कैसे रोक सकते हैं मुझे? मेरी बहन से मिलने के लिए हटिए। मैडम प्लीज, आप आगे नहीं जा सकते। ट्विंकल, तेरी बात सुन। एक मिनट भाई साहब, ट्विंकल एक मिनट साइड पे, मुझे बात करनी है तुझसे कुछ। कुंज कैसी बातें करो, माही है वहाँ, मुझे उससे मिलना, और तुम्हें इस टाइम मुझसे बातें करनी, छोड़ो मुझे। ट्विंकल तू कभी तो मेरी बात मान लिया कर, एक मिनट साइड पे, मुझे कुछ बात करनी। वो क्या रहे है? माना देविका का चेहरा माही से मिलता, पर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है ट्विंकल। तूने सुना होगा इस दुनिया में ना एक शक्ल के सात लोग होते, सुने कि नहीं? ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। वो माही ही है कुछ, तुम मुझसे जबरदस्ती आके क्यों कर रहे हो? ट्विंकल वो माही कैसे हो सकती है? हमें माही की बॉडी भी मिल चुकी है, याद है? एक्सक्यूज मी मिस देविका खन्ना, आई एम एलिजिबल गाय, आई वांट टू मैरी। अरे यहां से जाइए आप। तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? प्लीज लुक एट मी। आप चलिए बात। चलिए बात। देविका चल, शादी करेंगे हम यार। मैं मानती हूँ कि हमें एक डेड बॉडी मिली थी, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आया। बोलो, नहीं आया था ना? तो तू ही मुझे समझा दे, इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद बिना एक खरोच के माही कुछ ही दिनों में ठीक हो गई? लंदन से मुंबई आ गई, वो भी नई आइडेंटिटी के साथ, मल्टी मिलियनेयर बनके। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? कुछ सोच। वो सब मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन हमारा दिल भी तो कोई गवाही देता है ना। मेरा दिल 100% श्योर है कि वो माही सब है। हे, आर यू राइट? वैसे जब मेरी परमिशन के बिना मुझे कोई टच करता है तो मैं उसके हाथ पैर तुड़वा कर बाहर फेंकवा देती हूँ। आई गेस यू लकी, क्योंकि तुमने देविका खन्ना की जान बचाई, इसीलिए देविका खन्ना तुम्हारी जान पक्ष। ऐसी शक्ल और एटीट्यूड से तुम बचाने वाले कम और फंसाने वाले ज्यादा दिखते हो। एनीवे, चेहरे का क्या है, वो तो अक्सर धोखा दे देते हैं। Well, give him my card. And you, मुझे मेरे होटल में आके मिलो। जान बचाई है तो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। देविका खन्ना? हेलो यूवी। हाँ मॉम। बेटा जितनी जल्दी हो सके मुंबई से वापस आ जा, और प्लीज उस ट्विंकल के पीछे भागना बंद कर। I have some amazing news for us. अभी मुझे पता चला है कि लंदन से एक बहुत अमीर लड़की अमृतसर आए अपने लिए एक पंजाबी मुंडा ढूंढने। उस लड़की का नाम है देविका, देविका खन्ना। क्या बोला आपने? देविका खन्ना? हाँ, क्यों मॉम? वो लड़की मेरे सामने थी। What? सच? इसे कहते हैं लक। तू मिला उससे, तेरी कोई बात हुई? हेलो, हेलो यूवी, कहीं ये लड़की सच में माही तो नहीं? सच क्या है पता तो लगाना पड़ेगा।